नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल का 23वां या 24वां मैच बेंगलोर वर्सेस चेन्नई के बीच एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला जाएगा। तो क्या बेंगलोर की पिच रिपोर्ट्स रहने वाली है, कितने बैट्समैन लेने हैं, चेन्नई के कितने प्लेयर्स लेकर चले और बेंगलोर की तरफ से कौन आज परफॉर्मेंस करने वाला, कौन होगा सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन, कौन होगा यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन, कौन होगा लो सेलेक्शन में प्लेयर्स जिसको आज हम ट्राई करके वन साइड विनिंग कर सकते हैं, क्योंकि एसएल में भी हमको एक प्लेयर्स यूनिक डालना होता है और कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसा देखना होता है जो पॉइंट्स देना ही देना। तो आज पूरी बातें करने वाले हैं, पिच रिपोर्ट, स्टेटस, वेन्यू पर रिकॉर्ड्स, सारी बात करेंगे, सेलेक्शन की भी बात करेंगे, कौन प्लेयर्स कैसा परफॉर्मेंस फिलहाल कर रहा है उसके हिसाब से हम अपनी एक अच्छी टीम बनाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगे तो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा गिव अवे का, जिसका आंसर ठीक होगा उसको गिव अवे दे दिया जाएगा। बस आपको वीडियो को पूरी देखना है और वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर यह मैच खेला जाएगा, जहां पर काफी मैच खेले जा चुके हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि 118 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 53 और सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 63 मैच विन की है, यानी कि सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम यहां पर ज्यादा मैच विन करती है। वहीं पर पिच की बात करें, बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, जिसका एवरेज स्कोर 160 से 170 के बीच इस पिच पर स्कोर बनता ही बनता है। हाई स्कोर इस पिच पर 263 तक जा चुका है, जो कि काफी है। वहीं पर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, ताकि पता चल जाए कि इस पिच पर कितनी बार कितना स्कोर बनता है। देखो दोस्तों 150 से नीचे इस पिच पर 36 बार स्कोर बना है, वहीं पर 150 से 170 के बीच 31 बार, 170 से 190 के बीच 23 बार, और 190 से भी ऊपर इस पिच पर 28 बार स्कोर बन चुका है, यानी कि 190 से ऊपर 28 बार स्कोर बन चुका है। तो आप बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मान सकते हैं। और किसको कितने विकेट्स मिलते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स को 54 विकेट्स सेकेंड इनिंग्स में 67 विकेट्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 35 और सेकेंड इनिंग्स में 45, राइट आर्म फास्टर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 146 और सेकंड इनिंग्स में तो 199, वहीं पर स्पिनर्स को 98 और 94। यानी कि जिस तरह से मैच चले हुए हैं, हाई स्कोर्स वेन्यू है, विकेट अच्छे खासे गिर रहे हैं, जो लास्ट मैच खेले गए ना इस पिच पर उनको भी देख लेते हैं, ताकि उसके बाद ही हम अपना स्ट्रक्चर तय कर पाए कि कितने बैट्समैन विकेट कीपर ले लें। देखो दोस्तों जो लास्ट मैच आरसीबी वर्सेज डीसी के बीच हुआ था, आरसीबी ने फर्स्ट बैटिंग की, 174 रन बनाए, 6 विकेट गिरे। दिल्ली 151 रन पर 9 विकेट्स खो दिए। मैच में पेसर्स को 9 और स्पिनर्स को 5 विकेट्स मिले। दूसरा मैच जो इस सीजन का खेला गया था आरसीबी वर्सेस एलएसजी के बीच, आरसीबी ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए, हाई स्कोर्स गया, विकेट्स 2 गिरे। वहीं पर एलएसजी ने चेंज कर लिया और 9 विकेट्स गिरे। इस मैच में भी पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 2 विकेट्स मिले। यानी कि एक तो हाई वेन्यू या ग्राउंड होता ही है, थोड़ा छोटा ग्राउंड है जिसकी वजह से हाई स्कोर्स मैच होता है, और पाटा विकेट होती है यहाँ की, जिसकी वजह से बैटिंग बॉल सीधी बल्ले पर आती है। तो आप मान सकते हो कि एक बैटिंग फ्रेंडली मैच आपको फिर से देखने को मिलेगा, प्लस हालिया दिनों में पेसर्स को भी हेल्प है, पेसर्स को तो रहती है लेकिन स्पिनर्स को भी हेल्प है। लास्ट मैच में स्पिनर्स को 5 विकेट्स मिले थे, यानी कि पेसर्स और स्पिनर्स दोनों इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेसर्स को ही अपनी टीम में लेकर चले। और इंपोर्टेंट बात दोस्तों एक और है, विकेट कीपर हम एक लेकर चलेंगे, तीन ऑप्शन है, बेस्ट हमारे लिए एक रहेगा। बैट्समैन आज आप 4 लेकर चल सकते हो, क्योंकि बैट्समैन में आज अच्छे ऑप्शन भी है और साथ के साथ बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स भी है, तो 4 बैट्समैन आप इजीली ले सकते हैं। ऑलराउंडर आप 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। आज जैसा कि बैट्समैन में अच्छे ऑप्शन है, ऑलराउंडर में अच्छे ऑप्शन है, तो आप लोगों ने देखा होगा टीम बनाते वक्त कि सिलेक्शन काफी लो चुका है, किसका, बॉलर्स का, बॉलर्स में हाई सिलेक्शन है नहीं किसी का कि कोई 60-70% से ज्यादा हो। तो यानी कि आप चाहो तो 3 तो हमको लेने ही लेने बॉलर्स, जिस फैंटेसी पर आप 2 ले सकते हो तो 2 भी ले सकते हो, नहीं तो 3 बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, 3 से ज्यादा मेरे हिसाब से बॉलर्स आज हम अपनी टीम में नहीं लेकर चल सकते हैं। जिस तरह के बॉलर्स में ऑप्शन है वो भी ध्यान में रखना, पिच भी थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली है तो बॉलर्स आज हम कम लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रियल 11 एप्लीकेशन की। अभी भी आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर दो, डाउनलोड करते ही आपको 5000 का वेलकम बोनस मिलेगा और पहला गेम फ्री खेलने को मिलेगा, और आपको बेंगलोर और चेन्नई के मैच में 50,000 का फ्री गिवअवे भी है। इसलिए गिवअवे को तो छोड़ना ही मत, अपनी टीम बनाओ, गिवअवे में पार्टिसिपेट करो और 50,000 जीतने का आपको मौका मिलेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया लेस कंपटीशन है, हेड टू हेड आप आसानी से विन कर रहे हो, जीएल मेगा गारंटीड है। आप लोगों जिन्होंने खेल कर देख लिया उनको पता चल गया होगा कि यहां पर जीएल विन होती है,
और 100% होती है और लॉस होने के बहुत कम चांसेस है। ओपिनियन देखकर आप यहां पर अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि चेन्नई के अगेंस्ट विराट कोहली कितने रन बनाएगा, डी कॉनवे बेंगलोर के अगेंस्ट कितने रन बनाएगा, इसी तरह के काफी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ओपिनियन। उनको देखकर आप वन साइड विनिंग कर सकते हो, कमा सकते हो। और सबसे अच्छी एप्लीकेशन है फिलहाल ट्रेडिंग में चल रही है जो लेस कंपटीशन से है। अब बात करते हैं दोस्तों, डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा डाउनलोड कर लेना। अब दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो काफी मैच खेले जा चुके हैं 30, जिसमें से 10 मैच बेंगलोर ने और 20 मैच चेन्नई ने जीते हैं। साफ साफ पता चल रहा है दोनों के बीच चेन्नई स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस बेंगलोर की अच्छी है और बेंगलोर अपने होम ग्राउंड पर भी खेलेगी, इसलिए मैं 6 प्लेयर्स बेंगलोर के और 5 प्लेयर्स में चेन्नई सुपर किंग्स के लेकर चलने वाला हूं, क्योंकि जहां पर परफॉर्मेंस भी अच्छा है, विराट कोहली और डुप्लेसी मैक्सवेल सारे अच्छे खासी फॉर्म में है, उधर से इधर से भी कोनवे ठीक ठाक है, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में है, अजिंक्य रहाणे लास्ट मैच में खेले वो अच्छी फॉर्म में है, तो इसलिए दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है। आप चाहो तो इसके भी 6 ले सकते हो, लेकिन ये होम ग्राउंड पर खेलेगी तो इसीलिए मैं बेंगलोर को 6 प्लेयर्स लेकर चलने वाला हूं। अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं दोस्तों। फाफ डुप्लेसी विराट कोहली ओपनिंग कर रहे हैं, महिपाल लोमरोर ग्लेन मैक्सवेल चब आजम दिनेश कार्तिक अनुज रावत इंपैक्ट प्लेयर्स में रहेंगे, वायनाडु हसरंगा वेन पर्नेल हर्षल पटेल मोहम्मद सिराज और विजय कुमार, ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है दोस्तों। बॉलर्स की बात करें तो ये इनके पूरे मेन बॉलर्स है, 500 मेन बॉलर्स है। अगर किसी के ओवर कटते हैं तो या तो एक दो ओवर शायद आज कर सकते हैं या फिर एक दो ओवर ग्लेन मैक्सवेल भी कर सकते हैं। ये इनकी बॉलिंग है क्योंकि लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी विजय कुमार ने, 3 विकेट निकाले, इसलिए पूरे ओवर बॉलिंग करेंगे, तकरीबन पूरे इनके मेन बॉलर्स हैं। अगर किसी की फिर भी पटाई होती है तो कटते हैं तो शायद आज अहमद बॉलिंग आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहां से 6 प्लेयर्स कौन से लेकर चले दोस्तों, वो तो उनकी रिसेंट फॉर्म और रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं एक बार। डुप्लेसी 22 रन लास्ट मैच में, 79-23-73-0 रिसेंट फॉर्म अच्छी है, हेड टू हेड ठीक है, हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है ठीक का, 23 का तो काफी कम है जिस तरह की फॉर्म में है, और वेन्यू पर जबरदस्त है, 88 का एवरेज है, आईपीएल में 35 का एवरेज है, एसएल में इनको लेकर चलना ही चलना है, जेल में चाहो तो ड्रॉप कर लेना। विराट कोहली रिसेंट फॉर्म जबरदस्त है, 50-61-21-82 जबरदस्त चल रहे हैं, लास्ट मैच से हम इनको सीबीसी बनाकर चल रहे हैं, आज भी आप इनको आसानी से सीबीसी बना सकते हो क्योंकि हर मैच में स्कोर्स करें, किसी मैच में ये 80 प्लस भी करने वाले हैं, शतक भी मार सकते हैं, इसलिए विराट कोहली इंपोर्टेंट होंगे आपके लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, हेड टू हेड भी अच्छा है, वेन्यू पर भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, विराट कोहली को तो टीम में तो लेना ही लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कंटेंडर है। फिर बात करते हैं दोस्तों महिपाल लोमरोर, एसएल में आराम से ड्रॉप करो, लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, आपके ओपोनेंट मिलेंगे नहीं, जीएल में उतनी ही आसानी से इनको ट्राई भी करो, एसएल में आसानी से ड्रॉप करो, जीएल में आसानी से ट्राई करो, बाकी एसएल के लिए उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, लास्ट मैच में 26 रन भी बनाए, इसलिए मैंने बोला था इनको जीएल में जरूर ट्राई करना, और आज भी वही बात है, इनको ट्राई कर सकते हो, बाकी इनको किस सिचुएशन में ग्रैंड लीग में ट्राई करना उसके लिए आपको ग्रैंड लीग पर एक अलग वीडियो मिल जाएगी, इसलिए फिलहाल इनको मैं ड्रॉप करूंगा एसएल की टीम में। ग्लेन मैक्सवेल अच्छे खासे पिक रहेंगे, रिसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है जिस तरह के प्लेयर्स हैं, क्योंकि बॉलिंग फिलहाल कर नहीं रहे हैं, 12 रन 5 रन एक मैच में 59 रन बनाए, बाकी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओपोनेंट मिलेंगे साथ के साथ पता ही है, इसलिए अच्छे खासे ये पिक रहेंगे, हेड टू हेड ठीक है, वेन्यू पर बहुत खराब है, आईपीएल में भी उतना अच्छा नहीं है जिस तरह के प्लेयर्स हैं, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, लेकिन प्लेयर्स अच्छे हैं तो 30-40 रन ये कभी भी बना सकते हैं। सब आ जाए मैं दोस्तों, लास्ट मैच में 20 रन बनाए, बॉलिंग एक दो मिल रही है, बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है और बैटिंग कम आ रही है, क्यों, क्योंकि प्लेसी और कोहली ही ज्यादातर मैच को चेंज कर रहे हैं या ओपनिंग कर रहे हैं तो 10-12 ओवर वही खेल रहे हैं, तो इसलिए इनकी बैटिंग नहीं आ रही तो ड्रॉप करेंगे आसानी से। दिनेश कार्तिक दोस्तों डी कॉनवे ओपनर्स में है तो इसलिए दिनेश कार्तिक को भी यहां से आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं, और रिसेंट फॉर्म भी बहुत खराब है दिनेश कार्तिक की, आप लोग देख रहे हैं, तो इसलिए दिनेश कार्तिक भी विकेट कीपर में उतने अच्छे नहीं है। अनुज रावत आराम से ड्रॉप कर सकते हो, इंपैक्ट प्लेयर्स हैं, सिलेक्शन काफी कम है, हसरंगा प्लेयर्स अच्छे हैं, सिलेक्शन 30% हो गया ये तो है क्योंकि इनके पास और दूसरे बॉलर्स अच्छे हैं, चाहे पर्नेल हो, सिराज हो, हर्षल पटेल हो, लास्ट मैच में विजय कुमार खेले उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए काफी बॉलर्स हैं, तो इसलिए इनको भी बंडल में विकेट नहीं मिल रहा, तो एक दो विकेट तो हमेशा ही निकालेंगे, एसएल में अच्छे खासे पिक रहेंगे, जीएल में भी आप इनको ट्राई कर लेना। फिर बात करते हैं दोस्तों वेन पर्नेल अच्छी खासी फॉर्म में है, 1 विकेट 3-0-2 अच्छी खासी है, वेन्यू पर 2 ही मैच खेले और 4 विकेट निकाल लिए,
आईपीएल में 7 मैच खेले हैं, 7 विकेट्स हैं, अच्छी खासी पिक रहेंगे। हर्षल पटेल 2-1-1-2-1 हर मैच में 1-2-1-2 विकेट्स निकाल रहे हैं। हेड टू हेड 7 मैचों में 13 विकेट्स हैं, वेन्यू पर 15 विकेट्स हैं, आईपीएल में भी अच्छे खासे हैं। तो ये भी एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स आपके लिए जरूर हो सकते हैं, ट्राई जरूर करना। हर्षल पटेल को भी सिलेक्शन इनका भी काफी कम है बॉलर्स में, मोहम्मद सिराज को तो दोस्तों लेकर चलना ही चलना है, ये तो इनको तो आंख बंद करके लेकर चलना। 2-3-1-1-2 हेड टू हेड 8 मैचों में 11 विकेट्स हैं, ठीक ठाक है। वेन्यू पर 11 मैचों में 14 विकेट्स हैं और आईपीएल में भी अच्छा खासा है, तो इसलिए अच्छे खासे प्लेयर्स रहेंगे मोहम्मद सिराज। जीएल में इनको सीवीसी भी बना लेना। विजय कुमार दोस्तों लास्ट मैच खेले, बंदे ने 3 विकेट्स निकाल ली, कौन ले रहा था? सिर्फ 1% 2% लोग इनको ले रहे थे, इसलिए बार बार बोलता हूं मैं, ग्रैंड लीग खेल रहे हो, कोई प्लेयर्स नया आता ना। आईपीएल में मैंने 20 मैच तकरीबन खेले जा चुके, 18 मैचों में जब जब नए प्लेयर्स ने डेब्यू किया ना, विकेट्स निकाल लिए। एक दो मैच आता जिसमें नहीं मिलता, नहीं तो हर प्लेयर और एक नहीं दो दो विकेट्स निकालते हैं। इसीलिए ग्रैंड लीग में ऐसे प्लेयर्स को जरूर ट्राई करना जो डेब्यू करता, उसके विकेट्स निकालने के काफी चांसेस होते हैं। अब चेन्नई की प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों यहां से डी कोनवे, ऋतुराज गायकवाड ओपनिंग कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, अंबाती राडू, रविंद्र जडेजा, धोनी, मंगाला, महेश तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, अक्ष सिंह, इनकी तरफ से हैजलवुड टीम में है, वो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं इस मैच में, याद रखना हैजलवुड, वो खेलेंगे तो वो कंफर्म इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अब यहां से 5 प्लेयर्स कौन से लेकर चले हैं तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। बॉलिंग इनकी उतनी अच्छी नहीं है, डी कोनवे विकेट कीपर में अच्छे ऑप्शन है, दूसरे महेंद्र सिंह धोनी है या फिर अनुज रावत इंपैक्ट प्लेयर्स में या फिर दिनेश कार्तिक है, तो इसलिए एसएल में तो इनको ही लेकर चलना क्योंकि दूसरे अच्छे ऑप्शन ये है। और रिसेंट फॉर्म भी लास्ट मैच में 50 रन बनाकर आ रहे हैं, एक मैच में चल रहे हैं, एक मैच में फ्लॉप हो रहे हैं, हेड टू हेड ठीक है, तो इनको तो लेकर चलना ही है एसएल में। जेएल में चाहो तो इनकी जगह पर एमएस धोनी को ट्राई कर लेना। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी खासी फॉर्म में है, आईपीएल के शुरुआती मैचों में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन बाद के मैचों में थोड़े डाउन होते हैं, आप लोगों ने देख लिया, पहले में 92-57-40 और अब लास्ट मैच में 8 रन बनाकर आ रहे हैं, हो सकता है इस मैच में 20-22 रन बनाए, लेकिन रिसेंट फॉर्म ठीक है तो इसलिए टीम में तो उनको लेकर चलना ही चला। कैप्टन वाइस कैप्टन फिलहाल मैं इनको नहीं बनाऊंगा लेकिन टीम में जरूर लेकर चलना। रिकॉर्ड्स भी इनके अच्छे हैं, 45 का एवरेज है एक्वायर्ड और आईपीएल में भी 40 का एवरेज है, प्लेयर्स अच्छे हैं, देखते हैं अभी टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। अजिंक्य रहाणे बहुत लोग इनको ड्रॉप करेंगे, इनको आंख बंद करके ले लेना एसएल में भी और जीएल में भी। रिसेंट फॉर्म 31-61 अच्छी फॉर्म है, एवरेज हेड टू हेड ठीक है, 36 का है, वेन्यू पर 56 का है, आईपीएल में 31 का, बहुत इनको ड्रॉप करेंगे इसलिए इनको जरूर लेकर चलना एसएल और जीएल में भी। उसी तरह से मोइन अली भी अच्छे खासे पिक रहेंगे, बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट्स देंगे। रिसेंट फॉर्म 23 रन एक मैच में, 19 रन 4 विकेट, 7 रन 1 विकेट, हेड टू हेड ठीक है, 20 का एवरेज, 28 का एवरेज साथ के साथ विकेट्स भी निकाल रहे, तो अच्छे खासे प्लेयर्स रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के भी ये कंटेंडर जरूर रहेंगे, इनका बैटिंग ऑर्डर 4 नंबर पर है प्लस बॉलिंग ऑप्शन रहते हैं। 5 नंबर पर दोस्तों शिवम दुबे है, ठीक ठाक है परफॉर्मेंस रहा है, हालांकि मैं यहां से कम प्लेयर्स ले रहा हूं तो इनमें से हो सकता है एक इंपैक्ट प्लेयर्स में यूज हो, तो फिलहाल मैं दोनों को ड्रॉप करूंगा। रिसेंट फॉर्म दोनों की उतनी अच्छी नहीं है लेकिन 15-20 रन दोनों बना रहे हैं, फिलहाल दोनों को आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा दोस्तों अच्छी खासी फॉर्म में है, 25 रन 2 विकेट्स 3 रन 3 विकेट्स ठीक ठाक फॉर्म में है और प्लेयर्स भी अच्छे हैं, बैटिंग बैकअप भी देते हैं, बॉलिंग पूरे 4 ओवर को लेंगे और जिस तरह से अभी फॉर्म में है तो आपके लिए अच्छे खासे पिक रहेंगे। एसएल में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। एमएस धोनी अगर डी कोनवे को ले रहे हो तो ले लेना, वो तो जीएल में इनको ट्राई करना हो तो ट्राई कर लेना क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे 8 नंबर पर, इसलिए एसएल में उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे लेकिन जीएल में अच्छे खासे पिक रहेंगे। वैसे आप एसएल में लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोनवे जल्दी आउट होगा तो उस सिचुएशन में 15-20 रन कभी भी बना सकते हैं, ऊपर भी प्रमोट होते हैं प्लस विकेट कीपिंग से ये हमेशा पॉइंट्स देते ही देते हैं, इसलिए रिस्क लेने वाले महेंद्र सिंह धोनी पर जरूर रिस्क लेना। मंगाला और महेश तीक्ष्णा दोनों की रिसेंट फॉर्म खराब है, चेन्नई की बॉलिंग ऑप्शन उतनी अच्छी नहीं है तो फिलहाल मैं दोनों को ड्रॉप करूंगा। मंगाला को लेना चाहो तो ले सकते हो, महेश तीक्ष्णा भी फिलहाल उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। देश पांडे और अक्ष सिंह में से मैं किसी एक को लेकर चलूंगा, इन दोनों में से एक को लेकर चलूंगा तो दोस्तों देश पांडे अच्छी फॉर्म में है, 2-2-2-2-1 हर मैच में इसने विकेट निकाला तो इनको तो कंफर्म एसएल में ट्राई करना, जीएल में भी अच्छे खासे पिक रहेंगे। अक्ष सिंह को मैं ड्रॉप करूंगा, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले हैं और ज्यादा बॉलर्स में चेन्नई की तरफ से फिलहाल नहीं लेकर चल रहा हूं,
क्योंकि यहां से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या मेरी टीम बनकर तैयार हुई है। अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। चलो आज का सबसे पहले गिववे का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आज विराट कोहली दोस्तों कितने रन बनाएगा, कितने रन बनाएगा और कितने इसके पॉइंट्स होंगे, कितने रन बनाएगा कितने पॉइंट्स होंगे। जिसका आंसर ठीक होगा उसको 10,000 का गिववे दे दिया जाएगा। अगर दो का ठीक होगा तो दो भाइयों को मिलेंगे, तीन का ठीक होगा तो तीन को, हर एक को 10,000 का गिववे दे दिया जाएगा। लेकिन वीडियो को पूरी देखना है, लाइक करना, अगर वो नहीं कर पाते हो तो आपका गिववे कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल टीम की बात करें तो विकेट कीपर में मैंने कोहली को, और जिस तरह की पिच है जिस तरह के प्लेयर्स है, मैं चार बैट्समैन के साथ गया हूं, कोहली, गायकवाड़, प्लेसी और अजिंक्य रहाणे, रविंदर जडेजा, मैक्सवेल, मोइन अली, तीन ऑलराउंडर लिए, तीन मैंने बॉलर्स लिए हैं, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और वेन पर्नेल। वेन पर्नेल या फिर हर्षल पटेल, इनमें से एक की जगह पर, या हो सकता है मैक्सवेल की जगह पर, इन तीनों में से एक की जगह पर मैं तुषार देशपांडे को ले सकता हूं, जिनका भी रिसेंट फॉर्म देखा था, हर मैच में बंदा विकेट निकाला। तो इन तीन में से मैं एक की जगह पर तुषार पांडे को ले सकता हूं। ज्यादातर चांसेस देखा जाए तो वेन पर्नेल की जगह पर मैं तुषार पांडे को लूंगा, ये मैं एक चेंजेज कर सकता हूं। बाकी एसएल की मेरी सेम टीम रहने वाली है। अब कैप्टन की बात करें तो दोस्तों मैंने कोहली को बनाया हुआ है, लास्ट मैच में भी बनाया था और आज भी कैप्टन बना हुआ, आज भी ये 50+ स्कोर करने ही वाले हैं। फिर दोस्तों मोइन अली को मैंने विसी बनाया हुआ, विसी मैं चेंज कर सकता हूं, विसी मैं कर सकता हूं दोस्तों रहाणे को या फिर मोहम्मद सिराज को, इन दोनों में से मैं एक को विसी कर सकता हूं। जडेजा भी अच्छे विसी ऑप्शन है, लेकिन मैं फिलहाल जडेजा को विसी नहीं करूंगा, मैं इन दोनों में से विसी करने वाला हूं। जो कुछ चेंज होगा दोस्तों वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता ही दूंगा, इसीलिए अभी भी आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना तो सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, अगर वाकई लगातार अच्छी यूनिक टीम के साथ खेलना तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।